तो सज्जनों और उनकी सज्जानियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे लाइफ का एक ऐसा कांड जो कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आज तक बहुत सारे कांड्स किए हैं। यस, मैं उसमें एस लगा रहा हूँ कांड्स में, क्योंकि बहुवचन मात्रा में मैंने किया है। देखो, मेरी सबसे बुरी आदत थी कि मैं चार्ली चैपलिन की वीडियो देखा करता था, एंड वहाँ पे मैं देखने के साथ सिर्फ देखा नहीं करता, उसके साथ ही साथ मैं वैसे काम भी, हरकतें भी किया करता था, मतलब थोड़ा फनी टाइप में। तो मैं अपने स्कूल में जब भी जाता था कुछ ना कुछ ऐसे कांड या फिर शैतानपन जो भी आप लोग बोल सकते हो, मेरी आदत थी यार ऐसी चीजें करने की और हंसने की और हंसाने की। तो देखो, बात है क्लास 8 की। ओके, तब मैं गाइस मैं मतलब लगभग बहुत छोटा था, पता नहीं कैसे मैं इतना छोटा था, लेकिन हाँ मैं छोटा था, ठीक है। एंड गाइस उसके वजह से, गाइस मैं आप लोग से बता दूं, मेरी एक बहुत बुरी आदत एक और थी, मेरे हाथ में हमेशा मैग्नेट होता था, ठीक है। एंड कोई ऐसा वैसा मैग्नेट नहीं, मैं नेपाल जाता था, ठीक है। नेपाल जाने के बाद मैं वहां से मैग्नेट खरीदने के लिए मैं नेपाल जाता था, ठीक है। तो मैं वहां से बहुत मांगे, एक होता है ना मॉन्स्टर मैग्नेट, लेकिन वो तो नहीं था, बट उसी तरह का कोई मैग्नेट था, वाइट कलर का, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा पावर फुल था, अगर आप किसी जगह पे लगा देते तो उसको निकालना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो गाइस मैं उसको खरीद लेता था बहुत सारे, एंड वो उसको मैं हमेशा अपने हाथ में ही लिए रखता था, ठीक है। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी ये, कहीं पे भी जाकर के मैं मतलब मस्ती करने लगता था उससे, ठीक है। एंड मुझे काफी अच्छा लगता था मैग्नेट चलाना। आई होप कि आप लोग को भी बचपन में आप लोग चलाते होगे या फिर अभी भी चलाते होगे, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस देखो, वो मैग्नेट तो मेरे समझ लो मेरे दिल का टुकड़ा था, मैं उसको हमेशा अपने साथ लेके चलता था। तो एक दिन की बात है, मैं स्कूल में भी उसको लेकर के जाता था, एक तो बैग में होता था, एक जेब में होता था, ठीक है। तो एक दिन की बात है कि मैं स्कूल गया, एंड उसी दिन लगभग 6th बेल लगी थी, तब मुझे याद है इंटरवल के बाद, तब मेरे पास गाइस वो मैग्नेट था, मैं मैग्नेट से खेल रहा होता हूँ। तभी मेरे को वहाँ से एक लड़का आता है, कहता है कि तुमको प्रिंसिपल बुलाया है। तो मैं बोलता हूँ अरे भाई, अब भाई प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है, मुझे मेरा ये सुन करके ही मेरा फट गया था। मुझे लगा था कि मुझे डांटने के लिए या फिर मारने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेरी हरकतें उस समय ऐसी थी, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं वहाँ पर प्रिंसिपल रूम में मैं गया, एंड उसके बाद वहाँ पे मैं तो डर रहा था बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बुलाया एंड बोला, जाओ बेटा मेरे लिए तुम खाना लेके आओ। मैं बोलता हूँ भाई मैं क्यों खाना लेने जाऊँ, मतलब ठीक है वो, मतलब अपने मन में बोलता हूँ मैं ये चीज़। एंड तब पता चलता है कि वो बोलते हैं कि वो नहीं आया, कर्मचारी नहीं आया है जो कि वहाँ पे खाना लेकर आते थे। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम मेरा घर जानते हो, और उसके घर से मेरा लगभग घर 1 से 2 किलोमीटर दूर के ही, इतने ही दूरी पे था यार, मैं आप लोग से बता रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद मैं बोलता हूँ ठीक है चल जाता हूँ लेने। और सच बताऊँ तो उस समय मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था कि भाई अब अपने पढ़ाई को, अपनी मैथ वाली घंटी को छोड़ करके मैं कहीं पे भी जा सकता था, क्योंकि उस समय मुझे सोना ही होता था। तो भाई मैं बोला कि इधर मैथ का घंटी भी खत्म हो जाएगा, मस्त एकदम चिल मार के मैं जाता हूँ आराम से घूमने, आधा घंटा तो मैं रास्ते में घूमता हूँ और आधे घंटे बाद जा करके मैं उसके घर में जाता हूँ। एंड भाई वहाँ पे जब प्रिंसिपल के घर में पहुंचता हूं, तभी वहां पे प्रिंसिपल की जो बीवी होती है वो बोलती है, बाबू बैठ जाओ 2 मिनट यहां पे, जब तक खाना थोड़ा बनने वाला है उसके बाद मैं तुमको पैक करके दे दूंगी, तुम ले जाना, ठीक है। मैं बोलता हूं ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है तुमको, मैं चुपचाप बैठने वाला था, अबे घंटा भाई मेरे हाथों में था मैग्नेट, एंड मैंने निकाला भाई, उसके बाद मैं खेलने लगा भाई, मैं कुछ ना कुछ हरकतें करने लगा, उनके पूरे घर को चक्कर मारने लगा। तभी मेरे को मिलता है वहां पे प्रिंसिपल के बेटे का रूम, ठीक है। यस गाइस, बेटे का रूम। एंड गाइस देखो, आप लोगों को पता होगा कि मुझे अभी भी, सच में मुझे अभी भी टॉय पसंद है, मुझे पहले तो बहुत ज्यादा पसंद थी भाई। मैं देखा कि उसके पास अलग अलग रिमोट कंट्रोल टॉय, हर एक चीज है उसके पास, ठीक है। तो मुझे देख करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो सोचा था उठा के ले चलो, लेकिन नहीं नहीं गलत बात है, चोरी करना गलत बात होती है, तो उस समय मैं ये सब चीजें नहीं किया। लेकिन वहां पे उसके पास था एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर, ठीक है, जो पहले के समय का होता था ना कंप्यूटर, जिसका मतलब थोड़ा सा पेट बाहर होता था, जिसको बोलते हैं अंकल का टीवी डब्बा वाला, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, वैसे ही कुछ था, ओके। एंड गाइस तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि लाओ भाई खोल करके गेम खेल लेते थोड़ा। एंड भाई मैंने उसको खोला, मेरा खाना तो बन रहा था उसका, मुझे चिंता ही नहीं था कि वो आकर के मुझे देख लेंगी, तो मुझे उसका, मुझे फिक्र ही नहीं था उस सब के बारे में, मैंने सोचा भी नहीं। मैंने बस ओपन किया कंप्यूटर, एंड ओपन करने के बाद मैं बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन मुझे वहां पे कंप्यूटर में कोई भी गेम नहीं मिला खेलने को। तो मैंने क्या किया, उधर ही मैं बैठा रहा, और आंटी का खाना बन के आ ही नहीं रहा था, मुझे तो उसकी चिंता ही नहीं थी, ठीक है। और आंटी
आंटी भी खाना बना करके नहीं ला रही थी, बोल भी नहीं रहे थे, शायद से खाना बनाने में और भी लेट लगता, तो वो बना रही थी, ठीक है, उनकी बात किनारे रखो। और इधर मैं मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसके अंदर गेम है ही नहीं, ओके। तभी मेरे हाथ में रहता है मैग्नेट, ओके। एंड गाइस मैं क्या करता हूँ, वो मैग्नेट को बस ऐसे यूं ही, ठीक है, मैं मैग्नेट को वो कंप्यूटर के पास, मॉनिटर के पास ले जाता हूँ, एंड वहाँ पे एक इंद्रधनुष बन जाता है, लिटरली एक इंद्रधनुष बन जाता है छोटा सा। मैं बोलता हूँ, है भाई, मतलब इतना अच्छा गेम है क्या? आई वॉज लाइक, मतलब कैसे इतना अच्छा गेम कैसे है भाई? मैं उस गेम को खेलने लगता हूँ, मतलब कि मैं उसके पास ले जा करके मैग्नेट को इतनी बार राउंड करता हूँ जब तक वो पूरा का पूरा कंप्यूटर या मॉनिटर जो भी बोलो वो लाल पीला हरा नीला गुलाबी नहीं हो गया पूरा का पूरा, तब तक मैं उसको करते रहा। एंड गाइस उस समय क्या होता है कि वो जो पूरा पूरा कंप्यूटर वो खराब हो जाता है। वो खराब कैसे होता है मैं बताता हूँ आप लोग। जो पहले के कंप्यूटर या फिर टीवी होते थे उस समय गाइस, पहले मतलब कि अगर आप मैग्नेट को उसके सामने ले जाते थे तो जो उसका माइंड होता था, हार्डवेयर जो या पता नहीं क्या होता था, जो उसका माइंड होता था ना, वो डिस्टर्ब हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, जिसकी वजह से वो पूरा खराब हो जाता था, एंड उसको सही करने का पहले कोई उपाय भी नहीं होता था। तो वही चीज मैंने किया, मुझे ये चीज अभी पता चली है कि ऐसा ऐसा होता है, मुझे पहले ऐसा नहीं पता था, मैं ऐसा करते गया, मुझे तो वो एक गेम लग रहा था। मैंने उस कंप्यूटर को इस तरीके से सही करने की कोशिश किया कि जैसे कोई इसको तोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि गाइस देखो मैंने उसको कितनी बार पीटा उसको, ठीक है, एंड पीटने के बाद फिर भी जब सही नहीं हुआ, मैंने उसके सारे केबल्स निकाल दिए, एंड उसके बाद तब भी नहीं सही हुआ, तो मैंने उसके जो सीपीयू के सारे केबल्स थे उसको भी निकाल दिए, मैंने फिर से लगाया, फिर भी नहीं सही हुआ, एंड गाइस लास्ट में मैंने उसको इतना मारा, इतना पीटा उसको सही करने के लिए, फिर भी वो नहीं सही हुआ। आप लोग सोचते हो कि तू पागल था क्या, उसको मार क्यों रहा था? यस गाइस, मैं पहले ऐसा ही था, मैं उसको सही करने के लिए मैं कुछ भी करना चाहता था, मेरे कहां कहां से पसीने निकल रहे थे मैं आप लोग से बता भी नहीं सकता। तभी उस समय मैं देखता हूं कि मेरे पीछे आंटी जी आ करके मुझे पीटते हुए कंप्यूटर को देख रही है, मतलब पीछे खड़ी है वो, एंड वो मुझे देख रही है, एंड वो आती है मेरे पास, तब तक कि मैं नीचे से झुक करके भागता हूं सीधे अपने घर पे, ठीक है, सीधे अपने घर पे जाता हूं। एंड गाइस उसके बाद क्या होता है, मैं जब स्कूल में जाता हूँ, वो चीज़ आपको जानने के लिए इस वीडियो पे आपको करना होगा 100K लाइक। एंड सच बोल रहा हूँ, ये मेमोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। क्या हुआ था उसके बाद भाई, मैं अभी से कांप रहा हूँ बताने से। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। एंड हाँ, अरे भाई आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक में समा जाओ या फिर उस लिंक पे क्लिक करो, मुझे नहीं पता, लेकिन यार आ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, मैंने वहाँ पे रील डाला है यार, नहीं देखोगे क्या अभी? अब बाय, मुझे दूसरे का भी टीवी तोड़ने जाना है। बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा।